ओके गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वापस से पांच ऐसे एप्लीकेशन जो कि आपके डिवाइस में एक थीम यूज कर पाओगे जो कि एक एक्सट्रीम लेवल सा है और यहाँ पे एक हाइक वाला लुक देता है। और गाइस, यहाँ पे ऐसे भी एप्लीकेशन मिलने वाला है जो कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो फ़ोन में मैसेज ऐप होता है, तो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह सेट नहीं कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन लेके आया हूँ जहाँ से आप अपने मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है तो गाइस वहाँ पर आपको रीड करने के लिए एक अलग सा लुक देखने को मिल जाता है। देन गाइस यहाँ पे आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह भी सेट कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इन सब एप्लीकेशन में क्या और किस तरीके से देखने को मिलता है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज है हमारे पास न्यू मैसेज। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है तो गाइस यहाँ पे आप थीम लगा सकते हो उस मैसेज ऐप पे। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ या तो फिर इस मैसेज पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज होते हैं जो ये वाले आइकॉन्स पे। तो गाइस यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको कुछ थीम्स देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड में। तो गाइस ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी एक नया लुक को क्रिएट कर पाएगा आपके मैसेज में। तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है एक एक थीम या तो फिर उसके बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ कलर चेंज करना हो। तो वैसे यहाँ पे सेटिंग में जा करके आप इसे अपॉइंटमेंट्स, जनरल नोटिफिकेशन ये सब कस्टमाइज कर पाओगे। और वैसे यहाँ पे आपको इसकी थीम्स या बैकग्राउंड है आप इसे भी चेंज कर पाओगे जो कि आपको इसे डाउनलोड करना होगा। तो वैसे यहाँ पे जब भी आप बाइक करोगे तो वैसे ये बाइक होने का भी सिस्टम एक अलग ही स्ट्रीम तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है जो कि एक एडवांस में जैसे बाइक करोगे मीन्स यहाँ पे इस तरीके से कुछ। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आप इसे ट्राई एक बार ज़रूर कर लेना। सो सेकंड एप्लीकेशन है वो है जेडएक्स। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको थीम्स या तो फिर अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड वॉलपेपर थीम्स ये सब आपको वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ब्लर वाले वॉलपेपर या तो फिर बैकग्राउंड में आप इसे यूज कर सकते हो, ब्लर वाला भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आप अगर काफ़ी वॉलपेपर चेंज करते हो या तो फिर फ़ोटो वगैरह एडिट करते हो। तो गाइस आप यहाँ से बैकग्राउंड्स वगैरह आप ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे बैकग्राउंड्स है, थीम्स, वॉलपेपर आपको एक्सेट्रा देखने को मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पे कैटेगरीज और प्रीमियम में भी जा सकते हो। देन गाइस यहाँ पे अगर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो गाइस आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर सकते हो और वीडियो वॉलपेपर भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। देन गाइस यहाँ पे आपको रिंगटोन भी देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे वीडियो वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पे जितने भी सारे वीडियो वाले वॉलपेपर रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा काफ़ी डिफरेंट और एकदम नए लुक में। तो गाइस ये आपके डिवाइस में एक तगड़े लुक क्रिएट करेगा अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। देन गाइस यहाँ पे आपको गोडेड पे क्लिक करना है। देन गाइस आप इसे डाउनलोड करके आप इसे यूज कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लाइव वॉलपेपर या तो फिर एक तगड़े लुक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी है। तो गाइस यहाँ पे आप सेटिंग में भी जा करके यहाँ पे थोड़े बहुत इसे कस्टमाइज या तो फिर लॉगिन वगैरह कर सकते हो आप अगर इसमें प्रीमियम वर्जन अगर लेते हो। तो गाइस ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक और यूजफुल हो सकता है, एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। गाइस थर्ड एप्लीकेशन है वो है विजनरी लॉन्चर। तो गाइस ये एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे लॉन्चर्स क्रिएट कर पाओगे, आपके डिवाइस में एक नया लॉन्चर यहाँ पे लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सा थीम लॉन्चर कह सकते हो। यहाँ पे एक अलग हाइकिंग कुछ सिस्टम सा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसे कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो, आप इसे शॉर्टकट में भी ऐप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको मेन मेनू मिल जाता है जो कि आपके डिवाइस में जो ऐप हैं आप यहाँ से चेक कर पाओगे। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और तगड़ा लगता है आपके फ़ोन को एक नया लुक देने में। तो गाइस ये एप्लीकेशन आप यूज करके आप अपने फ्रेंड या तो फिर किसी को भी दिखा करके काफ़ी एक ज़बरदस्त यहाँ से आप क्रिएट कर पाओगे कुछ दिखाने के लिए कुछ नया। तो गाइस यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करने को मिल जाता है। देन गाइस यहाँ पे आइकॉन पैक वगैरह भी चेंज कर पाओगे जो कि आप अगर डिफ़ॉल्ट पे रखते हो तो गाइस इस जो लॉन्चर का है उसी लॉन्चर का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपके ऐप को यहाँ पे दिखाई देता है। देन गाइस यहाँ पे आप
हिडन ऐप भी कर सकते हो, हाइड वगैरह भी कर सकते हो, और भी इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप इसे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे आपको कीबोर्ड वगैरह भी यहाँ पे यूज कर पाओगे काफ़ी तगड़े तरीके से। तो गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इसे फुल्ली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और फुल इसे रीड कर सकते हो। एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है वो है माई एंड्रॉयड। तो गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, माई फोन एप्स मेमोरीज इंटरनेट डाटा यूसेज। तो गाइस यहाँ पे मैं इंटरनेट स्पीड भी चेक कर पाता हूँ। और गाइस यहाँ पे जैसे माई फोन एप्स पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपके जो डिवाइस में जितने भी एप्स रहेंगे वो यहाँ से चेक कर पाओगे। आप इसे डायरेक्ट ओपन भी यहाँ से भी कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है ये एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। देन गाइस यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर रहे हैं, देन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी इंटरनेट डाटा यूसेज इंटरनेट स्पीड इंटरनेट, यहाँ पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी है वो चेक कर पाओगे कि 4G 2G 3 कितना आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप रैम वगैरह चेक कर पाओगे। देन गाइस एंड्रॉयड वर्जन, देन गाइस यहाँ पे आपको एंड्रॉयड टिप वगैरह भी मिल जाता है जो कि आप यहाँ से एंड्रॉयड टिप्स ले सकते हो। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप इसे यूज कर पाओगे ये ऑनलाइन, जैसे डाटा आप अगर ऑन करते हो तो गाइस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रीड कर पाओगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। मीन्स एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ तो गाइस इसके लिए यहाँ पे गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। तो गाइस एक बार ये एप्लीकेशन ट्राई ज़रूर कर लेना माई एंड्रॉयड। ओके गाइस लास्ट एंड फाइव नंबर पे है वो है टेडी। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे आपके फ़ोटोज़ जो आपके डिवाइस में फ़ोटोज़ है आप इसे राइट साइड अप एंड लेफ्ट अप करके आप इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और एक नया लुक देता है जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा एक नया डिफरेंट सा लुक देखने को मिल जाता है। देन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी फाइल्स मैनेजर ओपन हो जाएगी जो कि आप किसी भी फाइल में जाके यहाँ पे फ़ोटो रीड कर सकते हो। देन गाइस इसकी मेन बात यह है कि आप इसे साइड अप एंड साइड राइट पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक नया लुक देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह रीड कर पाओगे। देन गाइस यहाँ पे आपको जैसे ही राइट क्लिक करोगे या तो फिर लेफ्ट करोगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक सा देखने को मिल जाता है। तो गाइस एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। इसमें और भी ऑप्शन से और भी सेटिंग्स है एक्सेट्रा वगैरह आप इसे यूज कर पाओगे। तो गाइस एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। वैसे सभी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप इन सब एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पे आपके डिवाइस में एक अलग लुक दे सकते हो। देन गाइस यहाँ पे आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है तो गाइस वहाँ पे आपको कस्टमाइज फोटोज़ वगैरह या तो फिर बैकग्राउंड में यूज करने को नहीं मिलता है। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप आपके जो मैसेज वाले ऑप्शन होते हैं तो गाइस यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह सेट कर पाओगे और गाइस यहाँ पे आपके एंड्रॉयड डिवाइस के बारे में यहाँ पे रीड कर पाओगे, या तो फिर आपको एंड्रॉयड के बारे में अगर ठीक से नहीं पता है तो गाइस यहाँ पे गाइड करते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम इसके किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।